हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की मेरी वीडियो है सईद गनी के विटामिन सी फेस वॉश पर, जो कि ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पर। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट। जी तो गाइज़, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरी एक रील देखी होगी, जिसमें मैं कुछ पार्सल, एक पार्सल था सईद गनी का जिसको मैं अनबॉक्स कर रही थी, और उसमें कुछ फेस वॉशेस थे एंड एक सनब्लॉक था। सनब्लॉक पे रिव्यू तो मैं कर चुकी हूँ। फेस वॉश जैसे जैसे मैं यूज़ करती गई, वैसे वैसे मैं उसका रिव्यू दूँगी आप लोगों को। जी तो रिव्यू के लिए जो सबसे पहले फेस वॉश मैंने चूज़ किया है, दिस इज़ विटामिन सी फेस वॉश। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 315 में अवेलेबल है, ऑफ में इससे कम पे भी मिल जाएगा। क्वान्टिटी की हम बात करें, क्वान्टिटी अच्छी खासी 100 ml की ये ट्यूब है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें विटामिन B3 है, विटामिन सी है एंड सैलिसिलिक एसिड जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन B3 इज़ आल्सो नाउन एज नाइसिनमाइड, एंड नाइसिनमाइड पे मैं बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और एक्नी को ट्रीट करता है। एक्नी की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है इसको रिड्यूस करता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। कि इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, सो विटामिन सी पर हम डिटेल बात करें तो ये आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को प्रिवेंट करता है, सन एक्सपोजर को से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड नॉट ओनली दिस, इसमें वाउंड्स को हील करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हार्म्स इसका एज सच कोई हार्म नहीं है। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, ज़्यादातर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सो इसको ये आपके इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से, हर तरह से ये बेनिफिशियल है। सो इट्स फोर्थ वन इंग्रेडिएंट इज़ सल्फेट, एंड सल्फेट भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को रिमूव कर देता है। सो ड्राई स्किन के लिए एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये सूटेबल फेस वॉश नहीं है, ये ऑयली स्किन वाले एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सल्फेट उनके स्किन को उस तरह से हार्म नहीं करता जिस तरह से वो ड्राई स्किन को हार्म कर सकता है। सो दिस फेस वॉश इज़ फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। एक्नी प्रोन स्किन के लिए ये सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई सजेस्ट के एक्नी प्रोन स्किन वाले जो है वो फ्रेग्रेंस के बगैर प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग है। सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी ड्राई स्किन है और मैं इसको एक दो दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। इसको यूज़ करने के बाद फौरी तौर पर ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई एंड स्केली फील होती है, बट जब आप इसको 15 days या 1 month के लिए यूज़ करते हैं तब आपको इसका इफेक्ट नज़र आता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। सो इसलिए बेटर यह है कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ ना करें। एंड ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग जो है फेस वॉश में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं होती, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फेस वॉश का काम सिर्फ स्किन को क्लीन करना होता है, और क्लीन करके वो आपकी जो एनवायरमेंटल डस्ट है जब वो रिमूव हो जाती है तो वन टोन आपकी ब्राइट हो जाती है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। फेस वॉश में अगर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हों तो हमें बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके बाद हमें स्किन को हाइड्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो फेस वॉश का काम सिर्फ स्किन को क्लीन करना होता है। अच्छा, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने इसकी देखी है, दिस इज़ लोशन लाइक कंसिस्टेंसी, और इसकी काफ़ी ज़्यादा झाग बन रही है जो कि सल्फेट की वजह से है। स्किन पर इसका इम्पैक्ट भी ये है कि 1 to 2 hours के लिए आपकी स्किन से ऑयल रिमूव करता है, उसके बाद नेचुरली आपकी स्किन पर ऑयल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, रब करते हुए इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये बहुत स्मूथली रब हो रहा है, और इसका काफ़ी ज़्यादा लेदर है विच इंडिकेट सल्फर। अच्छा, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कैल्शियम सप्लीमेंट है ये इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल उसके जैसी है, और विच इंडिकेट्स विटामिन सी। सो वॉश करने के बाद आप लोग रिजल्ट्स देख लें कि इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी ब्राइट हो गई है, जो कि टेम्पोरारली है, परमानेंट नहीं है।